हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है मनशा मरा। आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए एक प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूं। जब भी दोस्तों आप किसी भी ऐप को चलाते हो या फिर दोस्तों आप ऐप को ऐप से बाहर आते हो, दोस्तों आपके सामने कुछ ऐड जो चलती रहती है पूरा दिन आपके फोन में, तो आप दोस्तों उन ऐड को देखकर परेशान हो चुके हो। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक दो ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिसकी वजह से दोस्तों आपकी जो ऐड की प्रॉब्लम होगी वो परमानेंट सलूशन हो जाएगा। दोस्तों बहुत को जाना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो पहले नंबर पर दोस्तों ट्रिक का उसको दोस्तों अप्लाई करने सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पर। सेटिंग में जाने पर दोस्तों आपने यहाँ पे सर्च करना है प्राइवेट DNS। दोस्तों आप देखते हैं हमने यहाँ पे ऊपर सर्च कर रहे हैं प्राइवेट DNS। दोस्तों आपने सिंपली से सर्च कर लेना। सर्च होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो हमारे सामने ऊपर दोस्तों ऐसी ऑप्शन आ चुकी है। आपने सिंपली से यहाँ पे करना है क्लिक। क्लिक होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो नीचे हमें तीन ऑप्शन मिलती है ऑफ ऑटो और तीसरे नंबर पर दोस्तों हमें ऑप्शन मिलती है प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम। दोस्तों आपने सिंपली से इस नंबर पर ऑप्शन पर करना है क्लिक। क्लिक होने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे टाइप करना है सिंपली से दोस्तों ऐसे टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे करना है ऐसे सेव। सेव होने के बाद दोस्तों जो आपकी जो परमानेंट सोल्यूशन है वो दोस्तों इस ट्रिक के बाद हो जाएगा। फिर भी दोस्तों आपका जो सोल्यूशन नहीं होता तो दोस्तों आपने क्या करना है, फिर से दोस्तों आपने आना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने पर दोस्तों आपने यहाँ पे गूगल को ढूंढना है। आप जैसे दोस्तों हमने स्क्रॉल किया और हमें दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलती है गूगल की, आपने सिंपली से यहाँ पे करना है क्लिक। क्लिक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं हम पहले नंबर एक ऑप्शन मिलती है ऐड की, दोस्तों आपने सिंपली से यहाँ पे करना है क्लिक। क्लिक होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमें दोस्तों दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिलती है डिलीट एडवर्टाइजिंग ID। दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे करना है क्लिक। क्लिक होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे हमें एक ऑप्शन फिर से मिलती है डिलीट एडवर्टाइजिंग ID। दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे करना है क्लिक। क्लिक होने के बाद दोस्तों जो आपकी प्रॉब्लम है जो 100% वो सॉल्व हो जाएगी। कभी भी दोस्तों आपको ऐड को देखने को नहीं मिलेगी, आप कभी भी दोस्तों उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे। आपकी जो ऐड की समस्या है वो 100% सॉल्व हो चुकी है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो करें लाइक शेयर, हमारे यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। बाय।